अंदर नहीं जाना चाह रहा, देख रहे ये इस लीश पे भी जम गया पूरा अंदर। गोश्त ठंड लग रहा है बाबा। हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कि साइबेरियन हस्कीज कितनी ठंड में रह सकते हैं। सीमा, अच्छा मैं सॉरी आपको इंट्रोड्यूस कराना भूल गया, ये है सीमा और ये है सचिन। इसका नाम क्या है? संगीत। संगीत, क्या नाम है, वाह शाबाश। तो आज का टॉपिक ये है कि साइबेरियन हस्कीज कितनी ठंड में रह सकते हैं। तो अच्छा सीमा बता, गोश्ती कहाँ रहने के लिए बना है? बर्फ में रहने के लिए ना। और बर्फ में क्या होता है? ठंडा हवा आती है ना, क्योंकि गोश्त को नहीं होता। गोश्त को नहीं होता ना, तेरे को ऐसे पता? क्योंकि स्मार्ट है और आपको भी स्मार्ट बनना है। ये समझना इंपॉर्टेंट है कि साइबेरियन हस्कीज कैसे एनवायरनमेंट और कैसे टेम्परेचर में रह सकते हैं। अभी हम जब गए थे खलियाटोर तो वहां पे हम रात को निकले। अब रात को गोश्त को ना सुसुपोटी करानी होती है, तो रात को हम गए तो रात को गोश्त को कमरे से बाहर लेके गए, ठीक है। और जब उसको उसको भाग लेके गए ना तो वहां आ रहा था बर्फ का तूफान, कुछ दिख नहीं रहा भाई। अभी आपको दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा, सुन लो पहले आप, कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है। चमगादड़ है वो, चमगादड़ होता है, खून चूसता। चल पहले काम की बात, ठीक है। तो गोश्त को हम बाहर लेके गए कमरे से और वहां पे स्नो स्टॉर्म आया हुआ था, टेम्परेचर -15 -16, बट हवा चल रही थी तो वो जो होता है ना फील्स लाइक फैक्टर है वो होगा -20। मतलब पता नहीं, मैंने कभी इतना ठंडा ऐसा फेस ही नहीं किया, सो मुझे पता ही नहीं है कितना है। बट मतलब वी कुड फील कि जैसे जो हमारा मॉइस्चर होता है नोज के नीचे, मॉइस्चर होता है हल्का हल्का सा, वो भी फ्रीज हो जा रहा था। गोश्त की जो लीश थी वो जम गई, वो हल्की सी वेट थी और वो पूरी फ्रीज हो गई थी, डंडे जैसे हो गई थी लीश। तो रस्सी डंडे जैसे हो गई थी, जम गई। पता है गोश्त का वो गले का वो भी तो जम गया था। हाँ ठीक है। तो वहां पे भी गोश्त रूम के अंदर ही नहीं आना चाह रहा था और गोश्त को हमने 1 घंटा बाहर मारा था क्योंकि गोश्त रूम के अंदर आ ही नहीं रहा था। तो अब आप खुद देख लो, सीमा दिखाते हैं। हाँ। कैसे दिखाएंगे पता है? ऐसे हाथ लेके जा और कैमरा करके जुप कर दे, जा जल्दी जा, फटाफट भाग के जा। सो इट्स वेरी कोल्ड एज यू कैन सी। अभी बर्फ पड़ रही है एंड ऑलमोस्ट मतलब -10 -15 होगा एंड सी अ बॉयज। इसको देखो, गोश्त को गड्ढा कर रहा है, बर्फ में खेल रहा है भाई लड़का, बर्फ में खेल रहा है लड़का। देखो ये हाल है, वो देखना गड्ढा खोद रहा है। ओए अभी उनको वॉक कराना बहुत जरूरी है, सुसुपोटी कराना है, रात को परेशान ना कर दे गोश्त। गोश्त के लिए ऐसा है जैसे धूप हो रही हो बढ़िया बीच में, कोई बढ़िया बीच के किनारे इसके लिए चेयर लगा दो। और देव तो मुझे दिख रहा बिल्कुल भी, रुका रहा है। सो जैसे आप देख पा रहे हो कि देव कितना पास है, बट स्टिल आई कैंट सी हिम। अब थोड़ी सी लाइट आई है यहाँ पे, वो मार्क्सी सी, पूरा पूरा फ्रीज हो गया है। गोश्त की लीश में मॉइस्चर था तो वो फ्रीज हो गई थी, डंडे की तरह प्रॉपर स्टिक की तरह फ्रीज हो गई थी इसकी लीश। सो यहाँ पे थोड़ी लाइट है and you can see so bachcho ko matlab these gloves are meant for -10 degrees and I can still feel cool inside my fingers. So both bad raha thi next step. I hope you can see dev mere se raha dur nahi hai but I can look thoda sa dur visibility they've gone. Look at this guy man, kitna aaram se sitting so comfortably na jaisa bhaiya badhiya ekdam इतनी है वहां तो कुछ गया बर्फ में। लुक एट दिस गाय, इट डजंट वांट टू गो बैक। दिस इज अ कंफर्ट जोन रात को, अंदर नहीं जाना चाह रहा, देख रहे हो ये इस लीश पे भी जम गया पूरा अंदर। गोश्त ठंड लग रहा है बाबा, जस्ट लुक एट हाउ कंफर्टेबली ही सिटिंग यार, हद हो गई। मैक्स कहां है? मैक्स रूम जाने के लिए तैयार है ऑलरेडी। तो देखा आपने कैसे इतने एक्सट्रीम टेंपरेचर्स में भी गोश्ती कितना कंफर्टेबल है, जैसे बिल्कुल धूप में बैठा हो -15 डिग्री सेंटीग्रेड, और वो बर्फ़ में सो गया। उसको रूम के अंदर लाना इतना डिफ़िकल्ट था बिकॉज़ उसको इतना मज़ा आ रहा था, उसको इतना मज़ा आ रहा था तूफ़ान में बर्फ़ के, क्या बताऊँ मैं आपको। सो गाइज दैट्स अबाउट इट, बस यही है इस वीडियो में एंड आई होप यू गाइज लाइक इट। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करो, शेयर करो और प्लीज़ 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 को सब्सक्राइब करो। सो दैट जब आप सब्सक्राइब करते हो ना तो मोटिवेशन मिलती है यार, मोटिवेशन मिलती है और अच्छा करने के लिए। एंड हैव अ गुड डे गाइस, गॉड ब्लेस।
जा जल्दी जा जल्दी भाग के जा। चुप। यस। देखते हैं ठीक है। हाँ। मैं तो कुछ नहीं बैठूंगा।